हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रम समझना है लाइन वाला आपको, तो उसके लिए आपको ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम का मतलब आना चाहिए। स्पेक्ट्रम का सिंपल एक सेंस होता है कि स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम मतलब एक सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट, किसी चीज का अरेंजमेंट। चीज यहाँ पे रिलेटेड है, जैसे आपने सीखा होगा विबगेओर, आपने ये बहुत अच्छे से सीखा होगा कि जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो वो कुछ कलर ऑफ बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। याद है आप सब लोगों को, यहाँ पे कुछ बैंड्स में डिवाइड हो जाता है सीक्वेंस में। वो बैंड जो डिवाइड हुआ, मतलब जो अलग अलग कलर डिवाइड हुए, वो सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होता है कि वॉलेट कहीं भी आ गया और ब्लू कहीं और है, या ग्रीन किसी और जगह पे, रेड कहीं और आ गया। नहीं, वो सीक्वेंस जो होता है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो वो जो सीक्वेंस आपको दिखाई दिया है, जो यहाँ पे जो इंप्रेशन नजर आता है, ये जो अरेंजमेंट नजर आया, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर और लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो आप उसे वेवलेंथ की टर्म में सीखें या आप उसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में सीखें। ध्यान है ना, सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। हालांकि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पढ़ेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या होगा, वेवलेंथ के टर्म में होगा। क्योंकि सीक्वेंस में जब होगा, जब ये चीज सीक्वेंस में होगी, तभी हम इसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे हो सकता है वो अरेंजमेंट, हो सकता है वो अरेंजमेंट लाइन की फॉर्म में हो, सिर्फ लाइनें हमें इंप्रेशन के तौर पे नजर आई हो, या फिर वो अरेंजमेंट कलर बैंड्स की फॉर्म में हो सकता है, कलर बैंड्स की फॉर्म में हो सकता है। अगर इंप्रेशन जो हमें नजर आ रहा है, जो इंप्रेशन हमें नजर आ रहा है, वो इंप्रेशन लाइंस की फॉर्म में देखने को मिला है, सपोज ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर इंप्रेशन ऑब्जर्व होता है, अगर वो हमें इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कुछ ही लाइंस में बना रहा, इस फॉर्मेट में ऑब्जर्व हो रहा है, या हो सकता है कलर की फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ ऐसे कि एक कलर यहाँ पे है इस तरीके से पूरा कलर, फिर दूसरा कलर यहाँ पे है, बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, फिर तीसरा कलर यहाँ पे है ये, फिर चौथा कलर यहाँ पे है। अलग अलग पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। देखिए, कलर की फॉर्म में वो अरेंजमेंट हो सकता है या लाइन, तो वो अरेंजमेंट है क्या, वो अरेंजमेंट है क्या, वो अरेंजमेंट आपका स्पेक्ट्रम ही है। क्या है, स्पेक्ट्रम ही है। और अगर वो लाइन की फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर वो अरेंजमेंट जो नजर आया रेडिएशंस की वजह से, वो अगर लाइन की फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरीके से बीच में गैप है, तो उसे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और अगर एक कलर के बाद दूसरा और दूसरा तीसरा एकदम पास पास हो, बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हमें जो आज की क्लास में डिस्कस करना है वो लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। कौन सा करना है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से समझाएंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि मेन टारगेट हमारा लाइन स्पेक्ट्रम सीखना है। हमारा टारगेट ये बातें नहीं था सीखना, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरा पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है, इन छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम का साफ मतलब है अरेंजमेंट।